अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अराउंड 700 ग्राम चिकन लिया है, विथ बोन लिया है मैंने। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया और जीरे का पाउडर, और अराउंड 2.5 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसे ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। फूड कलर जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट अराउंड 1.5 टेबल स्पून, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी तेल अराउंड 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही, तो अराउंड 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है मैंने। दही ऐड करने के बाद और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 1 आवर से 1/2 आवर के लिए। चिकन मैरिनेट हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है अराउंड 2 टेबल स्पून बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले, जैसे कि 3 से 4 इलायची मैंने इसमें ऐड की है, 2 से 3 लौंग, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, 2 बड़ी साइज़ की प्याज को इस तरह से मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड किया है, और इसे भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटरों को इस तरह से रफली चॉप करके इसमें ऐड किया है, और टमाटर को भी हम अच्छे से हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं अभी। तो हम इसमें ऐड करेंगे काजू और थोड़े से बादाम, मैंने यहाँ पे अराउंड 4 काजू और 4 बादाम ऐड किए हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तो इसे एक बार अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और इसे हम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। तो 1 आवर के बाद चिकन जो है फ्रेंड्स अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे ग्रिल पैन लिया है, इसे मैंने अच्छे से गर्म होने के बाद इसके ऊपर बटर ब्रश किया था, और बटर ब्रश करने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है यहाँ पे चिकन के पीसेस। तो एक एक करके मैं सारे चिकन के जो पीसेस है वो इस पर डाल दूँगी, और इसे मैं 1/2 आवर के लिए अच्छे से दोनों साइड से ग्रिल कर लूँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक साइड से अच्छे से ग्रिल हो चुका है। तो अभी हम इसे दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसे अच्छे से ग्रिल कर लेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक पैन में बटर को गरम कर लिया है, और उसी पैन में मैं ये जो पेस्ट मैंने बनाया है प्याज और टमाटर और काजू बादाम और अदरक लहसुन का, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए। इसे फ्राई करते वक्त मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो अराउंड 1/2 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। आप अपने ग्रेवी के थिकनेस के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकाएंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए कम या ज़्यादा। जब तक ग्रेवी पक रही है हम यहाँ चिकन भी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, चिकन जो है वो दोनों साइड से अच्छे से ग्रिल हो गया है और अच्छे से पक चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हुआ है ये, और एक साइड से ग्रेवी जो है वो भी बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। तो जो चिकन था जो हमने ग्रिल किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके। तो सारे चिकन के पीसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं। चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे अराउंड 4 से 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स इसे पकते हुए। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम।
तो अराउंड मैंने इसमें हाफ कप फ्रेश क्रीम ऐड किया है। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी अराउंड हाफ टेबल स्पून, और फिर अराउंड 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसे और एक से 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर लिया है और मैंने इसमें ऐड किया है अराउंड 1 टेबल स्पून हनी। हनी यानी कि शहद जो है आपको फ्लेम ऑफ करने के बाद ही इसमें ऐड करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा बटर चिकन बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कीजिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।